Hello everyone, my name is Varsha Dalal and you are watching Unique Digital Campus. हमने इसे एक लेक्चर लिया है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का. ये हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड है, जिसमें फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने देखा था. एक बार आप वो लेक्चर देख लें. इसके बाद अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. क्या क्या होती हैं? छह प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी. इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? न्यूक्लियर मास. न्यूक्लियस का मास कैसा होगा? न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर डेंसिटी एंड न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ये छह प्रॉपर्टीज़ होती हैं न्यूक्लियस की. तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम. क्या हमारी न्यूक्लियर मास? हम किसी भी एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे पिछले वाले लेक्चर में किया था. एक्स क्या है हमारा? कोई भी हम एलिमेंट ले लेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जेड. और इस तरीके से यहाँ पर ए. ए क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? मास नंबर. एंड जेड क्या रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर? एटॉमिक नंबर को. एटॉमिक नंबर के अंदर क्या होते हैं हमारे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. और मास नंबर के में क्या होते हैं हमारे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं. मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम न्यूक्लियर मास की. न्यूक्लियस मास ऑफ एन एटम किसके इक्वल होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस. कितना हमारा न्यूक्लियस का मास है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एटम क्या होता है हमारा? इस तरीके से ये हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करता है इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट एटम के अंदर. तो हम क्या देखेंगे? कितना हमारा न्यूक्लियस का मास है और कितना हमारा इलेक्ट्रॉन का मास है, वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ एन एटम. न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा हैवी होता है एज़ कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो बहुत ही बहुत कम होता है न्यूक्लियस से. तो इसलिए क्या करेंगे हम? न्यूक्लियस का मास क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है. तो हम इसको क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे. तो हमारा मास ऑफ एन एटम किसके इक्वल होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस के. मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा हमारा? जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं इसके अंदर, मतलब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करेगा. कितने हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर और कितने हमारे नंबर ऑफ क्या हैं? न्यूट्रॉन्स हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने देखा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे किसके इक्वल होते हैं, मतलब किस से रिप्रेजेंट करते हैं हम? जेड से. और मास ऑफ प्रोटॉन जिसको हम एम पी इस तरीके से लिख देंगे, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स को हम जब हम मास नंबर से में से एटॉमिक नंबर को इसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारे? मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं. और एम एन फॉर न्यूट्रॉन्स के लिए हम एम एन ले लेंगे. ये क्या हो गया हमारा? मास ऑफ न्यूक्लियस जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन. इसके बाद हम क्या देखेंगे? जो हमारा ए एम यू है, मास हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1.66 के अराउंड आता है. तो हम इसको ए एम यू एटॉमिक मास यूनिट से डिफरेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्या होता है?
वन बाय ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम के, ठीक है। जब हम एन एटम के लिए निकालेंगे तो हमारा कितना 12 ग्राम में, और वन के लिए निकालेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 12 बाय एन की। तो जब हम इस तरीके से 1 AMU 1 बाय 12 इंटू 12 बाय एन इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाय एन के। एन हमारा इसके अंदर क्या है, एन है हमारा इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर है, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.603 × 10⁻²³। ये क्या होती है हमारी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 1 बाय 6.603 × 10⁻²³। तो इन केजी में जो हमारी ए एम यू की वैल्यू आ जाएगी 1.66 × 10⁻²³ इन केजी में निकाला है, तो हमारी 1 AMU की ये वाली वैल्यूज आती है। और मास अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो उसका मास हमारा किसके इक्वल होता है 1.6725 × 10⁻²³ kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो हमारा इसी के अराउंड, इसमें 25 उसमें 4567 इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली। ये जो होता है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का, ये हमारा इन तीनों का सेम सा, तो अप्रोक्सीमेटली हम इन अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर नहीं दी होती तो हम इसको AMU इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इनको हम क्या निकालेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी हमारी किसके इक्वल होती है E = mc² मास क्या हमारा 1.66 × 10⁻²⁷, और स्पीड ऑफ लाइट इसकी c की वैल्यू होती है हमारी 1.6 × 10⁻³ इसके अराउंड होती है 3। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 3 × 10⁸। इसका क्या लिया हमने स्केयर, सी क्या हमारा इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट। जब हम अब इसको सोल्व करने के बाद जो न्यूक्लियर एनर्जी है हमारी वो किसके इक्वल होगी 1.494 × 10⁻²⁰ की। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो 1.6 × 10⁻¹⁹ से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे किसके इक्वल आएगी 1.48 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए लिया हमने। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 को हम अलग लिख लेंगे और 6 को हम अलग लिख लेंगे, ये क्या होता हमारा एम मेगा, तो हम 93148 × 10⁻³ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से 10⁻⁶ क्या था हमारा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और इसको ये क्या होगी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी आ गई। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी न्यूक्लियर
चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज हमारा किसके इक्वल होता है, कितना हमारा उस प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं हमारे किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके अंदर होते हैं हमारे, इसको हम जेड से इस तरीके से रिप्रेजेंट, और इस पे चार्ज क्या होता है हमारा ई चार्ज, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इसका डिफरेंस होगा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है हमारा, जीरो चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस का, ऑन न्यूक्लियस वो क्या होगा हमारा, प्लस जेड ई, ये क्या होता है हमारा न्यूक्लियस का चार्ज होता है। ये हमारी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी। इसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी न्यूक्लियर साइज। हम न्यूक्लियस का साइज देखेंगे, न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है, जैसे एक पानी की ड्रॉप होती है उसकी शेप कैसी होती है, इस तरीके से स्फेरिकल शेप होती है। तो इसी तरीके से हम न्यूक्लियस की शेप लेके चलते हैं, इसकी शेप कैसी होती है हम प्रैक्टिकली देखें तो इसकी शेप हमारी क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है। वॉल्यूम जो होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है, ए क्या हमारा इसके अंदर मास नंबर के, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस जो कि प्रोपोर्शनल होता है हमारा मास नंबर के। शेप कैसे ली हमने इसके अंदर, स्फेरिकल, तो हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसके अंदर, पाई आर क्यूब। इस तरीके से ये क्या हमारा इसके अंदर मास नंबर लिया है हमने, ये क्या हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आर ए वन बाय थ्री, तो R इक्वल टू आर नॉट, ये क्या है हमारा आर नॉट इसके अंदर इम्पीरिकल कांस्टेंट, आर नॉट ए वन बाय थ्री। इस तरीके से क्या आ गया हमारी ये वैल्यू आ गई। जो आर नॉट की वैल्यू होती है वो लाई करती है 10^-2 से 10^-6 के बीच में, कौन आर नॉट की वैल्यू जो वो लाइट करती है 10^, या हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, वन पॉइंट टू से 1.6 के बीच में जो हमारी आर नॉट की वैल्यू लाइट करती है। और वन फर्मी किसके इक्वल होता है, 10^5 की, ये क्या होता है हमारा फर्मी, जो कि हमारा आर हम किस में लेके चल रहे हैं, इन फर्मी के अंदर। इसके बाद हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या हमारी थर्ड प्रॉपर्टी न्यूक्लियर डेंसिटी, क्या हमारी थर्ड प्रॉपर्टी न्यूक्लियर डेंसिटी, जो कि हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी, इसको हम किस तरीके रो से डिनोट कर देंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी को हम किस से डिनोट करेंगे रो से, क्या होती है हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, जो कि किसके इक्वल होती है, न्यूक्लियस का कितना मास है बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमने अभी भी लिया था, वो क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब फॉर स्फेरिकल शेप के लिए। मास ऑफ न्यूक्लियस किसके इक्वल होगा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन प्लस इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्या मास ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होते हैं प्रोटॉन्स,
प्लस न्यूट्रॉन्स, वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं, इसको हम क्या ए लिख सकते हैं ना, इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, इसको हम ए लिख सकते हैं। मास अभी अभी निकाला था हमने, मास किसके इक्वल आया था, 1.66 × 10⁻²⁷ इंटू, इसको क्या लिख दिया हमने, ए लिख दिया, ये क्या हमारा वॉल्यूम। इसमें जो आर है वो अभी अभी हमने निकाली थी, आर नॉट ए 1/3, इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करी है। तो हमारी डेंसिटी की वैल्यू क्या निकल के आई, 1.66 × 10⁻²⁷ इंटू ए, ए क्या हमारा इसके अंदर मास नंबर, बाय 4/3 पाई, इसको हम आर नॉट बाहर निकालेंगे तो क्यूब, इस तरीके से ए इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ ए क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो हमारे किसके इक्वल आएगी, 1.66 × 10⁻²⁷ बाय में ये, और आर नॉट की वैल्यू क्या थी, 1.2 से किसके बीच में, 1.6 के बीच में लाई करती है, 1.2 × 10⁻¹⁵ क्या होता है हमारा, 1 फर्मी की वैल्यू होती है। तो हम इसकी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, तो हमारी जो न्यूक्लियर डेंसिटी है उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 2.97 × 10⁻¹⁷ केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की वैल्यू हमारी मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये क्या थी हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या हमारी न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम, क्या हमारी न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम, जब हमारा बीच में क्या होता है न्यूक्लियस और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो एक तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर से रिवॉल्व करता है, एक जो इलेक्ट्रॉन है हम अपने स्पिन के अराउंड इस तरीके से, ये अपनी स्पिन पे भी इस तरीके से रोटेट करता है, और न्यूक्लियस के इस तरीके से, जैसे एग्जांपल देखेंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाती है, तो एक तो वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगा रही है, एक क्या कर रही है वो अपने एक्सिस पर भी इस तरीके से रोटेट कर रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर स्पिन बोलेंगे। इसमें जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो एल प्लस एस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इनका जो एडिशन जो इनका सम करेंगे वो क्या होगा हमारा जे के इक्वल होगा, जे क्या हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम, क्या हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या सम होगा। इसमें जो एल है, एल की क्या वैल्यू होगी, वो 1 से n तक एल आई इस तरीके से होगी, L1, L2, LN तक, जो इसके अंदर जो हमारी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो 1 to n SI, SI की क्या वैल्यू होगी हमारी S1 + S2 इस तरीके से SN तक। स्पिन क्या होता है हमारा ऑलवेज +½ and -½। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप के लिए क्या लेंगे हम, I लेंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम ग्रुप के लिए, L प्लस S, जो हमारी I की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, I × I+1 H cut इस तरीके से आएगी, क्योंकि L की वैल्यू क्या होती है हमारी √L × L+1 H cut एंड S की वैल्यू क्या होती है हमारी S × S+1 H cut। तो इस तरीके से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I × I+1 H cut। अगर हमारा H cut होगा तो क्या होगा, ये
इवन नंबर के लिए यूज़ होगा। अगर एच कट बाय टू आ जाए तो क्या होगा, वो हमारा ऑड नंबर के लिए यूज़ होगा। इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या होती है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस तरीके से क्या हमने न्यूक्लियस ले लिया, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है प्लस जेड, और इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जब हम इस तरीके से रिवॉल्व करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट भी होगा। ऑब्वियसली इसके अंदर अगर करंट होगा तो कुछ ना कुछ इसका चार्ज भी होगा, और चार्ज के साथ साथ जब ये इस तरीके से मूव करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो जब हम इसके करंट की वैल्यू निकालेंगे चार्ज बाय टी, इस तरीके से लेंगे, टी क्या है इसके अंदर टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टी की वैल्यू क्या होगी हमारी फॉर सर्कुलर ऑर्बिट के लिए 2πr/v। तो करंट की वैल्यू जब हम इसके अंदर टी की वैल्यू पुट करेंगे 2πr, ये क्या आ गई हमारी करंट की वैल्यू आ गई। जब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए निकालेंगे तो वो क्या होगा, आई इंटू एरिया के, एरिया क्या होता है हमारा सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा एरिया होता है। और करंट की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, क्या निकाली है, ई वी बाय 2πr इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई सी पाई कैंसिल इस तरीके से। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी फॉर द ऑर्बिटल के लिए, ई वी आर बाय 2, ये क्या आ गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक, क्या ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और एल की वैल्यू क्या, बोहर के अकॉर्डिंग जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस रोटेशनल एक्सिस के अंदर। जब हम इन दोनों को आपस में इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो म्यू एल की क्या वैल्यू है, ई वी आर बाय 2 इंटू एल की क्या वैल्यू है, 1/mvr, वी आर से वी आर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो इनके रेशियो की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, ई बाय 2m। और इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, ये जो रेशियो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, इस रेशियो को हम बोलेंगे जायरो मैग्नेटिक रेशियो, क्या होगा ये जायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो हम इसकी वैल्यू को हम इस तरीके से गामा के इक्वल रख लेंगे। जब हम म्यू एल की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, E बाई 2m, जो L है ये इस साइड आ जाएगा, ये इस तरीके से। जब हम वेक्टर की फॉर्म में निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस E बाय 2m इंटू एल, माइनस साइन क्यों आया, जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करेगा जो इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी L की, लेकिन जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो इसके ओपोजिट होती है। अगर हमने इसके ओपोजिट लिया है तो हमने इसके अंदर नेगेटिव साइन लिया है वेक्टर के अंदर। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या वैल्यू आई, माइनस ई बाय 2m इंटू एल। एल फॉर जेड डायरेक्शन के लिए निकालते हैं तो म्यू एल जेड के लिए निकालेंगे इंटू एल जेड, और एल जेड की क्या वैल्यू होती है हमारी, एम एल एच कट, एम एल एच कट की क्या वैल्यू होती है, एच बाय 2 पाई,
इस तरीके से हम इसकी इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे e by 2m ml h upon 2 pi mu l into z e h, इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे into 4 pi m और ml e h by 4 pi m, ये किसकी वैल्यू होती है हमारी, ये होती है बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू बी से। क्या है ये हमारा बोहर मैग्नेटॉन, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारी ई एच बाय फोर पाई एम, ये क्या होती है हमारी बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू होती है। तो ये हमारी इसके अंदर तो म्यू बी इंटू एम एल, ये हमारी इस तरीके से आ गई फोर जेड डायरेक्शन के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोहर मैग्नेटॉन इंटू एम एल मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये हमारी इस तरीके से जेड डायरेक्शन की वैल्यू आ गई। और जब बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू, इन सभी वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे, ई की वैल्यू क्या हमारी 1.6 इंटू 10^-19 कूलम इंटू एच की वैल्यू क्या होती है हमारी 6.6 इंटू 10^-34 बाई 4 पाई हमारा 3.14 ले लिया, और एम की वैल्यू क्या है 9.1 इंटू 10^-31। जब हम इन सभी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारी बोहर मैग्नेटॉन की क्या वैल्यू आ जाएगी 9.27 इंटू 10^-24 एम्पियर मीटर स्केयर, ये क्या आ गई हमारी बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू आ गई है। अगर हम फोर प्रोटॉन के लिए लेंगे तो हमारी जो म्यू एल इंटू जेड डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं, तो हमारी इसके अंदर प्रोटॉन के लिए उसमें क्या यूज़ किया था हमने 2m, प्रोटॉन के लेंगे तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे एम पी से, और बाकी हमारी जो हमने ऊपर वैल्यू ली है बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाएगी। म्यू एन की वैल्यू अगर एच कट की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये इस तरीके से आ जाएगी इंटू ई एच बाय 2 पाई होती है हमारी इसकी एच कट की वैल्यू, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई एम पी, ये इस तरीके से आ जाएगी। और जो ये वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है म्यू एन के, म्यू एन हमने इसके अंदर क्या लिया है म्यू एन क्या हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, क्या हमारा म्यू एन इसके अंदर न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। और न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की इसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी 5.05 इंटू 10^-27 एम्पियर मीटर स्केयर, क्या आ गई हमारी ये न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की वैल्यू आ गई है। हम स्पिन के अंदर देखेंगे, स्पिन इसके ऊपर क्या ले रहे थे हम ऑर्बिटल के लिए ले रहे थे, तो इसके अंदर क्या लेंगे हम स्पिन के लिए लेंगे, तो उसमें हमने क्या यूज़ किया था एम एल यूज़ किया था, इसमें सिर्फ हमने क्या यूज़ करना है एम एस, और एम एस की वैल्यू क्या होती है हमारी प्लस हाफ और माइनस हाफ। और बिल्कुल इसी तरीके से हम जब हम टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, अभी हमने ऊपर किया था जो इसका रेशियो लिया था वो किसके इक्वल लिया था हमने गामा की, तो म्यू आई इस तरीके से ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी गामा आई, तो म्यू आई इंटू इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई थी ई एच कट बाय 2 एम पी, एच कट की वैल्यू क्या होती है हमारी एच अपॉन 2 पाई होती है। जब हम इसको इसके अंदर रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई थी न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के, अभी अभी हमने ऊपर निकाली है, तो म्यू आई की क्या वैल्यू आ जाएगी न्यूक्लियर मैग्नेटॉन इंटू आई। हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं तो क्या लिखते हैं हम म्यू आई इंटू जी, जी क्यों यूज़ किया, जी क्या होता है हमारा इसके अंदर क्या जी फैक्टर होता है जी इंटू म्यू एन इंटू आई, हम इसको इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर लेते हैं जी म्यू एन, और आई की वैल्यू अभी भी निकाली थी रूट आई इंटू आई प्लस वन इंटू एच कट, जो हमारी फोर प्रोटोन के लिए वैल्यू होती है वो हमारी किसके इक्वल आएगी प्लस 2.793 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के, और न्यूट्रॉन के लिए हमारी क्या वैल्यू आएगी माइनस 1.913 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ये हमने
6 की 6 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है।